नमस्कार स्टूडेंट्स निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग क्वांट एंड रीजनिंग का सेट फोर कवर करेंगे हम लोगों ने सेट थ्री तक ऑलरेडी कवर कर लिया है आपने वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो आप आई आए आइकन पर क्लिक करके ये सारी वीडियोस देख सकते हो ठीक है बेसिकली हम लोग सी बी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर का प्रिपरेशन कर रहे हैं ये रिविजन सीरीज चल रही है जहाँ पे हम लोग 15 क्वांट के क्वेश्चंस और 15 रीजनिंग के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है बेसिकली इन वीडियोस का फ़ायदा क्या होने वाला है सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है इस इन सारी सीरीज़ का ठीक है उसका ये है कि आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे विथ शॉर्टकट ट्रिक्स कि कैसे आपको अप्रोच करना है अपने एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन के लिए ठीक है तो बिना समय विलंब के इस सेट पे आते हैं सेट फोर पे पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फाइव कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज एम आपको यहाँ पे पांच कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स गिवन है तो जब कभी भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दिया रहता है ठीक है तो यहाँ पे क्या है एवरेज मुझे गिवन है पांच कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एम तो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी इवन नंबर का केस हो ठीक है जब कभी भी इवन नंबर का केस है मान लेते हैं कि एन नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो उस केस में इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू ठीक है अगर वो ऑड नंबर पूछा जाता तो मान लेते हैं टोटल एन नंबर्स हैं ऑड तो इनका एवरेज क्या होगा एन ही होगा ठीक है ये है ऑड के केस में ये है इवन के केस में अब यहाँ पे क्वेश्चन है पाँच अब यहाँ पे ये जो एन प्लस वन बाई टू है ये एवरेज नंबर नहीं होता है ये पोजीशन होता है जहां पे हमें नंबर मिलेगा फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पांच कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर दिया हुआ है तो सपोज ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ ये पांच कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर है जिसका मुझे एवरेज दिया हुआ है एम ठीक है इसका मतलब जो बीच वाला जो पोजीशन होगा ठीक है पांच कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं फाइव प्लस वन बाई यानी कि सिक्स बाई टू दैट इज थ्री थ्री का मतलब ये हुआ कि थर्ड पोजीशन पे जो नंबर होगा वो इनका क्या होगा एवरेज होगा थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है उसका वो क्या दिया हुआ है एम मतलब जो एवरेज है एम यानी कि थर्ड पोजीशन पे एम बैठेगा ठीक है इवन नंबर है कॉन्जिक्यूटिव यानी कि इसके बाद वाला हो जाएगा एम प्लस टू उसके बाद वाला हो जाएगा एम प्लस फोर इससे पहले वाला हो जाएगा एम माइनस टू उससे पहले वाला हो जाएगा एम माइनस फोर ठीक है ये टू टू का डिफरेंस है क्यों क्योंकि जो इवन नंबर होता है उसका सीरीज कैसे होता है टू हो गया फिर फोर हो गया फिर सिक्स हो गया फिर एट हो गया फिर टेन हो गया फिर ट्वेल्व हो गया इस तरीके से चलता है यानी कि जो गैपिंग होगी वो कितने की होगी प्लस टू की हमेशा ठीक है <coughs> क्लियर हो गया तो पांच कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर था जिनका मुझे बीच का नंबर या एवरेज मुझे गिवन था एम तो इसकी इस बिहाब पे मैंने देख लिया कि जो पांचों कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो कौन सा होगा ये होगा अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन है इफ़ द नेक्स्ट फाइव इवन नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड अब नेक्स्ट फाइव इवन नंबर जब इंक्लूड करा गया तो इसके बाद नेक्स्ट होगा एम प्लस सिक्स उसके बाद नेक्स्ट होगा एम प्लस एट फिर एम प्लस एट के बाद होगा एम प्लस टेन फिर ट्वेल्व ठीक है कितना हो गया एक दो तीन चार ठीक है और फिर एम प्लस फोर्टीन ठीक है ये हो गया मुझे पांच नेक्स्ट फाइव कॉन्सिक्यूटिव इवेंट नंबर तो टोटल जो हो गया वो कितना हो गया टेन तो अगर टेन इवेंट नंबर है तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा टेन प्लस वन बाई टू यानी कि एलेवन बाई टू यानी फाइव पॉइंट फाइव इसका मतलब ये हुआ कि फाइव पॉइंट फाइव पे जो नंबर होगा वो इसका एवरेज होगा अब 5.5 पे तो एवरेज मतलब कोई नंबर नहीं है या तो फिफ्थ पोजीशन पे है या फिर सिक्स पोजीशन पे है यानी कि 5.5 पोजीशन पे कैसे निकलेगा जब हम इन दोनों का मीन निकाल लें ठीक है तो यानी कि m प्लस फोर प्लस एम प्लस सिक्स डिवाइड बाई टू कर दिया तो यानी कि 2m एम प्लस टेन डिवाइड बाई टू होगा यानी कि m प्लस फाइव होगा ये क्या निकला ये निकल गया एवरेज टेन कॉन्जिक्यूटिव इवेंट नंबर का तो एम प्लस फाइव जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू है टू रेसर्स रन एट अ स्पीड ऑफ हंड्रेड मीटर पर मिनट एंड वन ट्वेंटी मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली इफ द सेकेंड रेसर टेक्स टेन मिनट्स लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रन देन हाउ लॉन्ग इज द रेस यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो रेसर हैं जो रन कर रहे हैं एक का स्पीड है हंड्रेड मीटर पर मिनट दूसरे का स्पीड है 120 मीटर पर मिनट ठीक है दो रेसर है एक की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट दूसरे की 120 मीटर पर मिनट ऑबियस है कि ये ज़्यादा फास्ट है यहाँ कह रहे हैं कि जो सेकेंड रेसर है वो 10 मिनट्स जो है कम समय लग लेता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन टू कम्प्लीट द रेस तो रेस कितने डिस्टेंस की है ये बताओ ठीक है देखो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है कि आप मान कर मान लो कि जो रेस की जो वैल्यू होगी वो x किलोमीटर की होगी ठीक है उसके भी यहाँ पे आप दोनों का जो है दोनों को कितना टाइम लग रहा है वो निकालो उससे भी पहले आपको यहाँ पे मीटर पर मिनट को क्या करना है चूँकि किलोमीटर में मुझे वैल्यू दी गई दी गई है तो किलोमीटर पर आवर में दोनों को कन्वर्ट करना है फिर उसका टाइम का डिफरेंस निकालो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस होगा उसे कंपेयर करो टेन मिनट्स के साथ ठीक है और फिर जा करके आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच जो स्मार्ट अप्रोच है वो क्या है वो है कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन ठीक है आप देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दो किलोमीटर अब चूंकि यहाँ पे मीटर पर मिनट में गिवन है मुझे तो मैं क्या कर रहा हूँ इन चारों ऑप्शंस को मीटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 2000 मीटर दिखेगा यहाँ पे मुझे 4000 मीटर दिखेगा ये मुझे 6000 मीटर दिखेगा यहाँ पे और फिर ये जो है एक किलोमीटर यानी एक मीटर दिखेगा पहले केस में क्या है 100 मीटर पर मिनट इसका मतलब एक मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो 100 मीटर का डिस्टेंस आप यहां देखोगे 100 मीटर का डिस्टेंस एक मिनट में ट्रैवल हो रहा है ठीक है 100 मीटर का डिस्टेंस एक मिनट में ट्रैवल हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि एक मीटर जाना होगा तो एक बटा हंड्रेड मीटर एक बटा हंड्रेड मिनट का डिस्टेंस टाइम लगेगा ठीक है मतलब एक मीटर जाने में एक बटा हंड्रेड मिनट का टाइम लगेगा तो 2000 मीटर जाने में इंटू टू थाउजेंड कर देंगे तो डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा 20 मिनट लगेगा ठीक है मतलब पहले वाले को अगर दो किलोमीटर अगर टोटल रेस की डिस्टेंस होती तो इसे कवर करने में बीस मिनट का समय लगता सेकेंड वाले के, के केस कितना है वन मीटर यानी वन बाई वन ट्वेंटी ठीक है सेम मेथड जैसे इसे सॉल्व करा वैसे ही इसे सॉल्व करा अब आप अगर इसे नोटिस करोगे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया ठीक है यहाँ पे चार से कट रहा है चार थी बारह और चार से चार पच्ची बीस और जीरो फिफ्टी अपॉन थ्री जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू देगा और मुझे जो डिफरेंस है वो है दस मिनट का तो कभी भी आप इन दोनों को माइनस करके ट्वेंटी मिनट को और यहाँ फिफ्टी बाई थ्री को माइनस करके एग्जैक्टली टेन मिनट्स लेकर के नहीं आ सकते क्यों क्योंकि हमें यहाँ पर एक फ्रैक्शन मिल रहा है तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता दूसरा चार मीटर पर आते हैं तो पहले वाले के केस में तो आराम से ये मुझे फोर्टी मिनट दे देगा लेकिन दूसरे वाले के केस में अगेन 120 ट्वेंटी वन बाई वन ट्वेंटी इंटू फोर थाउजेंड करा तो जीरो से ज़ीरो कैंसर 12 के टेबल में 400 नहीं आएगा तो अगेन इस केस में भी मुझे क्या मिलेगा एक फ्रैक्शन मिलेगा और जो 10 मिनट मुझे डिफरेंस चाहिए वो मुझे यहाँ से नहीं मिल पाएगा तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता तीसरे वाले पे आते हैं तो पहला वाला जो केस है हंड्रेड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसे पहले वाले को लगेगा साठ मिनट का डिस्टेंस छः किलोमीटर कवर करने में दूसरे वाले को एक सौ बीस के अकॉर्डिंग देखा जाए एक सौ बीस इंटू सिक्स थाउजेंड वन बाई वन ट्वेंटी इंटू सिक्स थाउजेंड करा जीरो से ज़ीरो कट गया बारह पच्चीस साठ होता है पचास यानी कि दूसरे वाले को पचास मिनट लगेगा तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे दस मिनट ईजली मिल जाएगा यानी कि जो ऑप्शन थ्री है वो मेरा राइट right आंसर होगा क्लियर हो गया तो देखो ये अप्रोच है जिससे आप जल्दी कर सकते हो क्वेश्चंस को तो आपको क्वेश्चंस देख करके आपको पकड़ना पड़ेगा किस मेथड से आप जल्दी कर पाओगे ठीक है ये कैसे होगा ये प्रैक्टिस से होगा आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा कि आखिर करना कैसे इसे ठीक है, है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री है ए कैन फिनिश अ वर्क इन ट्वेंटी डेज बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन ट्वेंटी डेज तो दो पर्सन है एक पर्सन है ए दूसरा पर्सन है बी ए को बीस दिन लगता है किसी काम को करने में वही बी को पच्चीस दिन लगता है किसी काम को करने में ठीक है ट्वेंटी फाइव डेज लगता है किसी काम को करने में दे बिगेन टुगेदर उन लोगों ने साथ में मिलकर तो का तो मिल के काम स्टार्ट करा तो बीस और पच्चीस का एलसीएम अगर देखा जाए तो हंड्रेड ठीक है हंड्रेड होगा बीस पच्चीस सौ होता है और पच्चीस चूँकि सौ होता है दोनों ने मिल काम स्टार्ट करा यानी कि फाइव प्लस 4, क्या हो जाएगा नाइन मतलब नाइन काम वो लोग एक दिन करते हैं दोनों मिलकर के ठीक है दे बिगेन टूगेदर बट बी लेफ्ट दी वर्क आफ्टर फाइव डेज मतलब पाँच दिन के बाद बी जो है वो काम छोड़ के चला जाता है यानी कि पाँच दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं तो अगर दोनों मिल कर के एक दिन में नौ काम करते हैं तो पाँच दिन में कितना करेंगे तो नौ पचे पैंतालीस काम टोटल काम कितना है हंड्रेड हंड्रेड से पैंतालीस काम हो चुका है यानी कितना काम बचेगा पचपन काम बचेगा इस पचपन काम को किसे करना है बाकी काम को ए करेगा तो ए की कितनी है five. अगर आप को से डिवाइड कर दोगे आएगा 11 तो जो 11 डेज होगा वो यहां पे क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा जिसमें ए क्या करेगा रिमेनिंग वर्क को फिनिश करेगा नेक्स्ट फोर नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है वॉट शुड रिप्लेस स्टार या एस्टेरिक्स इन द नंबर दिस सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए कैसे ही 11 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो अब देखो इसका तरीका ये है कि मैंने लिखा नाइन फोर और उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है वहाँ पे स्टार गिवन है जिसे हमें फाइंड करना है फिर टू थ्री फिर फाइव सेवन हमें इधर से स्टार्ट होना है यूनिट डिजिट से स्टार्ट होना है और पहले तो ऑड वाले को सबको लेना है यहाँ पे सेवन है फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे थ्री है फिर उसके बाद स्टार है और उसके बाद यहाँ पे नाइन है आपको क्या करना है इन सब का प्लस निकालना है तो सेवन प्लस थ्री प्लस स्टार और फिर प्लस नाइन ठीक है इसे ऐड कर रहे हैं सात प्लस तीन दस दस प्लस नौ कितना हो गया उन्नीस प्लस स्टार ठीक है उन्नीस प्लस स्टार ठीक है ये एक नंबर हो गया ठीक है अब जो इवन नंबर पे है उसे काउंट करना है ये फाइव है ये टू है ये फोर है तो फाइव प्लस टू सेवन सेवन प्लस फोर सात तेज सात चार कितना हो गया ग्यारह हो गया ठीक है अब आपको क्या करना है इन दोनों को माइनस करना है तो नाइनटीन प्लस नाइनटीन प्लस स्टार माइनस एलेवन जो रिजल्ट होगा ठीक है अगर वो एलेवन से डिविजिबल है तो ओवरऑल पूरा नंबर क्या होगा एलेवन से डिविजिबल है तो आप देखो यहाँ पे 19 से मैंने 11 माइनस करा तो मुझे कितना दिखेगा 8 ठीक है 8 प्लस स्टार तो आप बताओ मुझे कि 8 के साथ मैं कितना ऐड कर दूँ कि जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा तो आप बोलोगे सर 8 प्लस तीन ग्यारह होता है तो अगर यहाँ पे 3 होता स्टार की वैल्यू तो यहाँ पे 11 आ जाती और फिर ये जो नंबर होगा वो ग्यारह से डिविजिबल होगा तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा थ्री होगा क्लियर हो गया एलेवन का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि आपको क्या करना है ऑर्ड नंबर्स वाले जितने भी हैं ऑड प्लेसेस वाले ठीक है जितने भी नंबर्स हैं जितने भी नंबर्स बोल लो लेटर्स बोल लो आपको उन्हें ऐड करना है और इवन प्लेसेस वाले नंबर्स को आपको ऐड करना है दोनों को माइनस करना है जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट एवन से डिविजिबल होना चाहिए तब जा करके वो पूरा नंबर क्या होगा एलेवन से डिविजिबल होगा मैंने वही डिविजिबिलिटी रूल लगाया और लगा के देखा कि स्टार के जगह पर मैं कौन सा नंबर लूँ कि ओवरऑल जो आएगा रिजल्ट वो मेरा अलेवन से डिविजिबल होगा तो एट के साथ मुझे पता है कि थ्री मिनिमम होने पर एलेवन मुझे मिलेगा जो कि एलेवन से डिविजिबल होगा सो so यहाँ पे स्टार के जगह पे क्या होना चाहिए थ्री होना चाहिए तो थ्री विल बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव हमें कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ फाइव इज टू सेवन इफ़ द फर्स्ट नंबर इज ट्वेंटी देन द सेकेंड नंबर विल बी बहुत ईजी क्वेश्चन है ये आपको दो नंबर का रेशियो मुझे गिवन है फाइव इज टू सेवन पहला नंबर जो है वो है बीस तो फाइव फोर जर ट्वेंटी होता है तो फोर जो हो गया यहाँ पे ये फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया तो सात चौक कितना होगा अट्ठाईस ट्वेंटी एट जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सिक्सटी टू परसेंट एंड एटी परसेंट ऑफ अ नंबर इज वन नाइनटी एट क्वेश्चन अच्छे से समझना क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है हमें नंबर नहीं पता ठीक है जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा हम यहाँ पे ऐसा कोई आजमशन नहीं करेंगे क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम आप तभी क्लियर कर सकते हो जब आपको ट्रिक्स पता हो कि कैसे जल्दी अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करना है नंबर्स के दो परसेंटेज वैल्यू गिवन है एक है मेरा 62 परसेंट दूसरा है 80 परसेंट और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनका जो डिफरेंस है वो है 198 तो 80 परसेंट और 62 परसेंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना परसेंट का होगा आप बताओ तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पे 60 होता तो बीस आता यहाँ पे कितना आएगा 18 परसेंट मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 18 परसेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 18 परसेंट की वैल्यू कितनी है 198 नाइन्टी तो आप देखो यहाँ पे 18 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 198 आता है तो 11 से यानी 11 क्या हो गया फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया तो अगर 18 परसेंट की वैल्यू 11 है तो इसका सॉरी 18 परसेंट की वैल्यू 198 है तो 100 परसेंट की वैल्यू क्या होगी तो फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन को हम लोग हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्यारह यानी कि जो नंबर होगा यहाँ पर वो नंबर कितना हो गया ग्यारह ठीक है अब क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द 92 परसेंट एंड 56 परसेंट ऑफ़ द नंबर विल बी अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है आप लोगों को कि आप 1100 का 92 परसेंट निकालोगे फिर 1100 का 56 परसेंट निकालोगे फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करोगे फिर आंसर ले, ले करके आओगे हमें वो नहीं करना हमें क्या करना है चूँकि एक ही नंबर के दो परसेंटेज गिवेन है तो इसका जो डिफरेंस होगा वही जो है मेरा एग्जैक्टली exactly, नंबर का जो डिफरेंस होगा वही आएगा ठीक है तो इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया आप देखो छप्पन है साठ तीस नब्बे यानी कि यहाँ पे थर्टी सिक्स छः बारह और पाँच तीन आठ एक नौ ठीक है थर्टी सिक्स परसेंट का डिफरेंस आ गया मतलब ये दो परसेंटेज के बीच का डिफरेंस कितना है थर्टी सिक्स परसेंट आपको डिफरेंस पूछा भी है तो आपको ग्यारह सौ का छत्तीस परसेंट निकालना है अब फिर अब यहाँ पे फिर से आप मिस्टेक करोगे ग्यारह सौ का छत्तीस परसेंट निकालोगे फॉर्मूला से ग्यारह सौ लिखा फिर 36 लिखा फिर परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लिखा फिर इसे कैंसिल करा फिर 36 इंटू ग्यारह करा ठीक है ये भी सही है आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक नहीं पता है लेकिन कोशिश करिए कि जो ट्रेडिशनल मैथड है उसे त्यागने की ठीक है उस मैथड को यूज़ करोगे तो बहुत स्लो हो जाओगे आपको क्या करना है ग्यारह का छत्तीस निकालना है कैसे निकालेंगे हमें पता है ग्यारह का 10 परसेंट कितना होगा 110 सौ दस तो यानी कि अगर 10% परसेंट एक होता है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो 30 प्लस छः में कर सकते हैं इसे तो 110 अगर 10% परसेंट हो रहा है यानी कि 30% परसेंट कितना हो जाएगा 330, 330 30% परसेंट हो गया और 11 जो है वो मेरा कितना हो गया एक परसेंट छः परसेंट कितना होगा ग्यारह छः के छियासठ सिक्सटी सिक्स आप इस सिक्सटी सिक्स को ऐड कर दो तो थ्री नाइन सिक्स आएगा जो कि आंसर होना चाहिए ऑप्शन थ्री ठीक है तो ऑप्शन थ्री जो है ये यहाँ पे थ्री नाइन सिक्स ये मेरा राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन कह करता है बेचता है तिरसठ हजार रुपए में विथ अ प्रॉफिट ऑफ फाइव परसेंट मतलब जब उसने तिरसठ हजार रुपए में छिविंग मशीन को बेचा है पांच परसेंट प्रॉफिट लेकर के फॉर हाउ मच शुड ही सेल एट मशीन इफ ही इंटेंड्स टू अर्न फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट तो आठ मशीन को वो कितने रुपए में सेल करेगा कि उसे पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट हो ठीक है देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे छह सिलाई मशीन को उसने तिरसठ हजार रुपये में बेचा तो उसे पाँच परसेंट का प्रॉफिट हुआ ठीक है अब देखो यहाँ पे पाँच परसेंट को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने चाहे, तो बीस पच्चीस सौ यानी कि एक बटा बीस आएगा ठीक है यानी कि प्रॉफ़िट जो एक्चुअल में हुआ है वो एक बटा बीस हुआ है एक बटा बीस का मतलब ये हुआ कि अगर बीस रुपया अगर सी था ठीक है तो उसे बेचा गया है इक्कीस रुपये में तब जाकर के उसे एक रुपये का प्रॉफ़िट हुआ है एक रुपये का प्रॉफिट मतलब पाँच परसेंट का प्रॉफिट ठीक है यहाँ पे इस केस में मतलब बीस का सामान था उसे इक्कीस रुपये में बेचा गया तो पाँच परसेंट का प्रॉफ़िट यानी कि एक रुपये का प्रॉफिट हो गया अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी जो हमने इक्कीस रुपया देखा है लेकिन यहाँ पे जो है एक्चुअल में एस कितना है तिरसठ हज़ार रुपये तो यानी इक्कीस की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में तिरसठ हज़ार रुपये तो इक्कीस या तिरसठ होता है यानी थ्री थाउजेंड जो हो गया ये फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया आप इस थ्री थाउजेंड को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करोगे तो साठ हज़ार जो निकलेगा ये साठ हज़ार छ सिलाई मशीन की सी हो गई कॉस्ट प्राइस हो गई तो छः की कॉस्ट प्राइस हो गई सिक्सटी तो एक की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई दस हज़ार रुपये टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड रुपीज एक सिलाई मशीन का प्राइस हो गया तो एट सिलाई मशीन का जो सीपी होगा वो कितना होगा तो आप बोलोगे सर एक का दस हजार है तो आठ का अस्सी हजार हो गया हो गया तो अस्सी हजार रुपए जो है ये सीपी है प्रॉफिट कितना चाहिए पंद्रह परसेंट का तो कितने में बेचेगा आप निकाल लो सिंपल है पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट यानी बेचेगा कितने में एक सौ पंद्रह में बेचेगा तो इतना का 115 सौ पंद्रह बटा सौ कर देते हैं ये डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो कैंसिल हो गया 115 सौ पंद्रह इंटू आठ करना है कितना आ जाएगा आठ बजे चालीस फिर ग्यारह आठ है अट्ठासी अट्ठासी और फिर चालीस कितना होगा आठ चार बारह नाइन्टी टू सो नाइन टू ज़ीरो और फिर डबल ज़ीरो और तो बिरानबे हज़ार रुपये यानी कि ऑप्शन थ्री ठीक है मतलब आर्ट्स मशीन को वो बिरानबे हजार रुपए में बेचेगा तब जा करके उसे पंद्रह परसेंट का प्रॉफिट होगा आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि अ पर्सन रहे हिज गुड एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम फोर्टी परसेंट प्रॉफिट ठीक है क्वेश्चन है कि एक पर्सन ने मार्क करा है हिज गुड अपने सामान को एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम फोर्टी परसेंट प्रॉफिट मतलब सी पी समथिंग होगा हमें नहीं पता उसने क्या करा इसे एस पी में कन्वर्ट करा एस पी मार्क करा है ना सॉरी तो मार्क करा है यानी एम आर पी में कन्वर्ट करा एम आर पी में कितना कन्वर्ट करा चालीस परसेंट प्रॉफिट बना करके ठीक है मतलब इसने ये सोचा कि अगर कोई सामान मैं ख़रीद के ला रहा हूँ अगर उसे फोर्टी परसेंट बढ़ा दूँ तो जो उसके बाद बढ़ा करके मैंने क्या सेट करा एम आर पी सेट करा बट ही डिक्लेर्ड अ सेल लेकिन उसने क्या करा एक सेल डिक्लेयर्ड करा एंड अलाउ ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट और बीस परसेंट का डिस्काउंट जो है अलाउ करा तो एम आर पी पे बीस परसेंट का डिस्काउंट ठीक है मतलब यहाँ पर उसे बीस परसेंट का क्या करा डिस्काउंट दिया और फिर समथिंग उसका एस पी निकला तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द पर्सन इन द होल ट्रांजेक्शन में उसका एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट हुआ ये बताओ। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सीपी को अगर हंड्रेड रुपीज एज्यूम कर लें, तो एमआरपी कितना होगा एक सौ रुपया क्योंकि उसने चालीस परसेंट बढ़ा के लिखा अब 140 में उसने 20 परसेंट का प्रॉफिट दिया तो 140 का 20 परसेंट कितना होता है चौदह दोनों अट्ठाईस रुपया उसने क्या करा छोड़ दिया तो जब अट्ठाईस रुपया छोड़ दिया तो यानी एक सौ बारह रुपए में उसने बेचा होगा तो एक सौ रुपए का सामान को एक सौ बारह रुपए में बेचा है तो यानी बारह परसेंट का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया यानी जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना परसेंट का होगा बारह परसेंट का तो बारह परसेंट राइट आंसर है क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि करना कैसे है ठीक है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स एट फाइव परसेंट पर एन एम इज ट्वेल्व हंड्रेड क्वेश्चन है कि एक सर्टन सम है हमें पता नहीं है सम कितना होगा उसका तीन साल का पाँच परसेंट के अनुसार जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बारह सौ रुपये है तो अब बताओ मुझे तीन साल का बारह सौ रुपये है तो एक साल का कितना होगा डिवाइड बाई थ्री करेंगे ठीक है तो तीन से तीन सौ के बारह चार सौ रुपये ठीक है तो पाँच परसेंट का मतलब सौ रुपये में पाँच रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि 400 जो इंटरेस्ट मिला है एक साल का यानी पाँच परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई 400 मुझे 100 परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो यानी मैं क्या करूंगा 400 सौ डिवाइड बाई फाइव इंटू क्या करूंगा 100 कर दूंगा तो मेरा पचीअलस यानी आठ हजार रुपया तो आठ हजार रुपया क्या निकला प्रिंसिपल निकल गया ठीक है आठ हजार रुपया क्या निकल गया प्रिंसिपल मतलब आठ हजार रुपया था तो पाँच परसेंट के हिसाब से बारह सौ रुपया उसको तीन साल का मिला अब क्वेश्चन है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम मतलब सेम सम यानी आठ हज़ार रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा सेम पीरियड के लिए यानी कि तीन साल के लिए सेम रेट से यानी कि पाँच परसेंट के रेट से ठीक है अब देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं करने के ठीक है आप कौन सा तरीका चूज़ करते हो ये आप पे डिपेंड करता है मैं एक सिंपल मेथड से बताता हूँ इसे इसके और भी तरीके हैं देखो आठ हज़ार रुपये का है पाँच परसेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना है ठीक है तीन साल का है, एक साल दो साल तीन साल ठीक है पाँच परसेंट के हिसाब से जो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल मैं जा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए यहाँ पे कि करना कैसा है ठीक है इसके अलावा एक दो मेथड और हैं जो बहुत इससे भी कम समय में जितने देर में मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ ना उतने देर में ये बन जाता ठीक है वो भी मैं आपको तरीका सिखा दूंगा ये पाँच कितना होगा आठ हज़ार का पाँच तो देखो आठ सौ होता है अस्सी होता है मेरा एक तो आठ पचे चालीस यानी कि चार सौ रुपये पाँच परसेंट फिर दूसरे साल भी उसे चार सौ रुपये मिलेगा तीसरे साल भी चार सौ रुपये मिलेगा फिर अब ये चार सौ का ये पहले वाले चार सौ का जो है उसे पाँच परसेंट फिर इसे यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल में ठीक है उससे भी पहले ये दूसरे साल में जो चार सौ रुपये मिलेगा तो इस पहले साल का चार सौ रुपये का पाँच परसेंट इंटरेस्ट उसे यहाँ भी मिलेगा तो इसका चार सौ परसेंट कितना होगा पाँच सौ के बीस रुपये तो बीस रुपये उसे यहाँ पे मिलेंगे अब तीसरे साल में उसे इस 400 का बीस रुपये यहाँ मिलेगा इस 400 का बीस रुपये यहाँ मिलेगा और इस बीस रुपये का पाँच परसेंट तो कितना हो जाएगा पाँच गुना दस रुपये यानी एक रुपया जो है उसे यहाँ पे मिलेगा बीस रुपये का पाँच परसेंट कितना होता है आप ऐसे भी निकाल सकते हो बीस रुपये जो है बीस रुपये हंड्रेड परसेंट है तो पचास परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दस रुपये ठीक है पचास परसेंट की वैल्यू दस रुपये हो गई तो फिर आप देखो यहाँ पे पच्चीस परसेंट की वैल्यू कितनी हो गई पाँच रुपये ठीक है तो पच्चीस परसेंट की वैल्यू पाँच रुपये है आपको पाँच परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो पाँच बटा पच्चीस इंटू क्या करना है पाँच तो पाँच बचे पच्चीस कट जाएगा एक आएगा तो एक रुपये आप ऐसे भी निकाल सकते हो तरीका बहुत सारा है ठीक है तो ये जो निकला ये मेरा टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड हो गया आप देखो चार ठिया बारह सौ यहाँ होगा और फिर बीस बीस चालीस बीस साठ यहाँ पे होगा और एक यानी बारह सौ इकसठ रुपये ठीक है बारह सौ इकसठ रुपए यानी कि ऑप्शन नंबर टू ये आपका राइट right आंसर हो गया एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका अभी सी की क्लास ली हुई है रोहित सर ने अगर आपने नहीं देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास तो आई आइकन पर क्लिक करके ये क्लास जरूर देख लीजिए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स के द्वारा क्वेश्चंस को करने का मेथड सिखाया गया है तो आप उससे आपका अप्रोच बढ़ जाएगा इसका एक और तरीका ये है कि आपको आठ हजार रुपये यहाँ पर पता चल गया पाँच परसेंट का सी था पाँच परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट था यानी कि पाँच परसेंट की वैल्यू कितनी होती है बीस पच्चीस सौ यानी एक बटा बीस रुपए एक बटा बीस रुपए का मतलब हो गया बीस रुपए अगर प्रिंसिपल है तो इक्कीस रुपये का उसे क्या मिलेगा इन इक्कीस रुपये का अमाउंट मिलने वाला है ठीक है अब देखो तीन साल है तो आपको क्या करना है इन तीन दोनों का साइड में क्यूब कर दो तो यहाँ पे जो क्यूब करेंगे यहाँ पे क्या आएगा एट थाउजेंड आएगा इक्कीस का क्यूब करेंगे तो इक्कीस का क्यूब कितना होगा बिरानबे इकसठ ठीक है बिरानबे इकसठ आपको क्या करना है इन दोनों का आप डिफरेंस फाइंड कर लो ये तो ऑलरेडी एट थाउजेंड था ही एज पर द क्वेश्चन ये एट थाउजेंड था ही तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा बारह सौ इकसठ रुपए यहाँ पे आ जाएगा ये आपका क्या हो गया राइट right आंसर हो गया तो ये भी एक तरीका है इसके अलावा दो तीन मेथड्स और हैं उसके द्वारा भी सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन पे क्वेश्चन नंबर टेन है अ ट्रेन क्रॉसेस पोल इन टकेंड एक ट्रेन जो है वो 12 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस कर रही है एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सिक्स सेकेंड और 170 मीटर का जो ब्रिज है उसे 36 सेकेंड में कवर कर रही है ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आई थिंक यही क्वेश्चन डिस्कस करा था तरीका क्या है अब देखो यहाँ पे एक पोल को क्रॉस करिए तो जब पोल को क्रॉस करेगी तो एक्चुअल में ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी बारह सेकंड में ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो उस सिचुएशन में ब्रिज प्लस ट्रेन अपनी लेंथ दोनों को क्रॉस करेगी 170 सौ कितने सेकंड में तो 36 सेकंड में ठीक है 36 सेकंड में वो दोनों को क्रॉस करेगी अब देखो 12 सेकंड में ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है यानी कि इस 36 में 12 सेकंड को मैं अगर मैं माइनस कर दूं क्योंकि तो 12 सेकंड उसे अपने लेंथ को क्रॉस करने में लगेगा तो यानी कि बाकी का जो समय बचा 24 सेकंड का इस 24 सेकंड में वो सिर्फ ब्रिज को कवर करेगी ठीक है ब्रिज की लंबाई कितनी है 170 मीटर तो यानी 170 मीटर जाने में उसे 24 सेकंड लग रहा है और मुझे इसे इसका ट्रेन का स्पीड बताना है किलोमीटर पर आर में यानी कि 18 बाई फाइव से मैं क्या करूँगा इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा छिया अठारह छः चौके चौबीस पाँच से कट रहा है पाँच तिया पंद्रह सोलह सत्रह पाँच चौके बीस चौंतीस थर्टी फोर आ रहा है फिर अब देखो यहाँ दो से फिर यहाँ से सत्रह दो न चौंतीस सत्रह तिया इक्यावन बटा दो यानी ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर यानी कि ऑप्शन थ्री जो है वो यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है ग्यारह नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन क्वेश्चन नंबर अलेवन हमें बारग्राफ दिया गया है बारग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द बर्थ रेट ऑफ विच कंट्री इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर देन दैट ऑफ द जर्मनी मतलब जो जर्मनी का जो बर्थ रेट है सोलह तो सोलह का पच्चीस मोर देन मतलब पच्चीस मोर देन होगा यानी कि एक होगा किसका जर्मनी का तो जर्मनी का 125 परसेंट ठीक है जर्मनी का 125 परसेंट मैं 25 परसेंट ही कैलकुलेट करता हूं आराम से फिर 125 सौ आराम से, से निकल ही जाएगा तो कह रहा है कि किस कंट्री का बर्थ रेट जो है जर्मनी के बर्थ रेट से 25 परसेंट ज़्यादा है तो जर्मनी का बर्थ रेट है 16 16 का आपको 25 परसेंट निकालना है सोलह का पच्चीस कितना होगा तो सोलह का हाफ का हाफ़ यानी कि चार ठीक है चार जो हो गया पच्चीस परसेंट यानी सोलह प्लस चार बीस बीस किसका है यहां पे देखो इंग्लैंड का ठीक है तो इंग्लैंड आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा इंग्लैंड ऑप्शन नंबर थ्री है यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा ये यह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है द बर्थ रेट ऑफ इंडिया इज वॉट परसेंटेज ऑफ द बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि इंडिया का जो बर्थ रेट होगा इंडिया का जो बर्थ रेट है वो इंग्लैंड के बर्थ रेट से कितना परसेंट है ठीक है इंग्लैंड का बर्थ रेट कितना है बीस और फिर इंडिया का बर्थ रेट कितना है तैंतीस तो आपको बताना है कि जो इंडिया का बर्थ रेट है वो इंग्लैंड के कंपैरिजन में कितना है तो अब देखो यहाँ पे तैंतीस है यहाँ पे बीस है तो तैंतीस से बीस माइनस करा यानी कितना है तेरह तो मुझे तेरह और चाहिए यानी कि जो बीस होगा वो तो हंड्रेड परसेंट हो ही गया यहाँ परसेंटेज में मुझे निकालना है तो बीस तो ऑलरेडी हंड्रेड परसेंट हो गया मुझे समझना पड़ेगा कि ये जो तेरह है वो बीस का कितना परसेंट होगा तो आप बताओ बीस है यहाँ पे तो यानी इसका आधा करेंगे दस तो दस यानी कि फिफ्टी परसेंट ठीक है दस यानी फिफ्टी परसेंट तो एक सौ पचास परसेंट हो गया यहाँ पे अब मुझे कितना समझना पड़ेगा तीन जो है तीन की वैल्यू क्या होगी ठीक है तो तीन की वैल्यू कितनी होगी तो आप देखो इसका इसका जो है मेरा दस परसेंट की वैल्यू क्या हो रही है दो यानी 10 परसेंट की वैल्यू दो हो रही है यानी कि 160 हो गया 160 परसेंट हो गया अब मुझे एक का समझना पड़ेगा कि एक का क्या होगा तो अब देखो 10 परसेंट की वैल्यू दो है यानी एक परसेंट की वैल्यू कितनी होगी 0.2 ठीक है 0.2 अब 0.2 को मुझे चाहिए अगर बीस पच्चीस सौ होता है ना बीस पच्चीस सौ यानि पाँच यानी कि पाँच यानी कि वन तो वन जो होगा ये आप का बर्थ रेट इंडिया का है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड यानी कि ऑप्शन नंबर वन आपको हो सकता है ये समझ में ना आए क्योंकि ये मैंने जो नॉर्मली जिस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है बिना किसी फॉर्मूला uh, के उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा अगर आपको एग्जैक्टली exactly फाइंड करना है तो आप कैसे फ़ाइंड करोगे कि मुझे फ़ाइंड करना है तैंतीस को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में किसके कॉम्पेयर में बाईस सॉरी बीस के कॉम्पेयर में जो कि इंग्लैंड का था इन टू हंड्रेड कर दो आप इसे सॉल्व करिए आपको सॉल्व करके आपको वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 20 पच्चीस सौ हो रहा है आप 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 सिक्सटी फाइव परसेंटेज यहाँ भी आपको मिल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर वन है ठीक है ये हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा हो क्योंकि उसका कारण ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे छोटा डिजट दिया हुआ है लेकिन कभी कभी क्या होगा यही आपको बचाएगा ये नहीं बचाएगा इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आप बोलो कि यार ये तो सिंपल सा है थर्टी थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करा ये आ गया लेकिन इसे आप मतलब जिसे कहते हैं ना हैबिट बनाना तो इसे हैबिट बना लो तो ये ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन करके आपको देगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टीन कह रहा है बर्थ रेट ऑफ चाइना इज़ हाउ मेनी टाइम्स द बर्थ रेट ऑफ जर्मनी कह रहा है कि चाइना का बर्थ रेट कितना टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी तो आप देखोगे कि चाइना का जो बर्थ रेट है वो है चालीस जर्मनी का है मेरा सोलह मुझे इसे टाइम्स में कन्वर्ट करना है कि कितना टाइम्स है तो चालीस डिवाइड बाई सोलह कर दो तो चार चौक सोलह हो रहा है चार दस या चालीस हो रहा है यानी कि फाइव बाई टू आएगा यानी टू पॉइंट फाइव आएगा तो टू पॉइंट फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर फोर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग वॉट इज द रेशियो ऑफ बर्थ रेट ऑफ इंडिया दैट टू द स्वीडन ठीक है इंडिया का बर्थ रेट इंडिया का बर्थ रेट एज़ कंपेयर टू स्वीडन कितना है वो फाइन करना है तो थर्टी थ्री इज टू फिफ्टीन है ठीक थर्टी थ्री इंस टू फिफ्टीन तीन से ग्यारह बार में तीन से तीन पचे पंद्रह यानी कि ग्यारह इस टू तो फाइव यानी कि ऑप्शन टू जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्वांट का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है पे बाई हाउ मच परसेंट इज द बर्थ रेट ऑफ इंग्लैंड इज लेस देन द बर्थ रेट ऑफ न्यूजीलैंड कह रहा है कि कितना परसेंटेज जो है इंग्लैंड का बर्थ रेट जो है कम है एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड का 30 है इंग्लैंड का कितना है 20 है तो कितना कम है मुझे ये फाइंड करना है तो कितना कम है यहां पे दस कम है ठीक है दस कम है टेन कम है कौन कम है इंग्लैंड का किसके कॉम्पेरिजन में फाइंड करना है तो न्यूजीलैंड के कॉम्पेरिजन में फाइंड करना है इन टू हंड्रेड करा तो हंड्रेड बाई थ्री यानी थर्टी थ्री पूर्णांक तैस पूर्णांकटा तीन थर्टी थ्री एंड वन बाई थ्री परसेंटेज ये जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा तो यहाँ पे आपके क्वांट के क्वेश्चन कवर हो गए नेक्स्ट हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं सिक्सटीन नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं सोलह नंबर का क्वेश्चन हमें कह रहा है सेलेक्ट द लीटर क्रिस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज हमें एक सीरीज दी गई है हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है आप देखो के की वैल्यू क्या कितनी होती है तो k होता है 11 जे होता है टेन एच होता है एट उसके बाद ई e होता है मेरा फाइव ठीक है तो अब यहाँ पे अगर ग्यारह है ग्यारह से ये दस हो गया यानी माइनस वन हुआ फिर यहाँ पे माइनस टू होगा तो एट होगा फिर यहाँ पे एट से फाइव हो गया माइनस थ्री हो गया तो वन टू थ्री तो नेक्स्ट वाले में कितना होगा माइनस फोर होगा तो माइनस फोर करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा ए मिलेगा ए से ये स्टार्ट है ये स्टार्ट है बाकी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे उसके बाद वाला यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होगी ऑर्डर में सत्रह t कितना होता है 20, x कितना होता है 24 होता है और c कितना हो गया 3. तो 17, 3, 20 हो गया प्लस 4 करेंगे 24 होगा फिर यहाँ पे प्लस 5 करा तो 24, फिर 25, फिर 26 और उसके बाद 3 हो गया और फिर उसके बाद 5 के बाद हम लोग क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे 6, 3, 9, यानी आई नाइन यानी आई किस में है दूसरे वाले में है यानी ऑप्शन टू जो होगा ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ईजी क्वेश्चन था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सेवेंटी नंबर का क्वेश्चन सत्रह नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगा आप देखो ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स और टू फिफ्टी टू यहाँ पर गिवन है अगर हम लोग अट्ठाईस को छत्तीस से मल्टीप्लाई करें ठीक है अट्ठाईस को छत्तीस से मल्टीप्लाई करें तो तीन तेरी नौ और फिर तीन दो न नाइन्टी सिक्स और फिर जीरो नौ सौ साठ और फिर चार से अगर हम लोग चौबीस चौबीस चौके छियानबे चार आ रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे अगर चार अगर यहाँ पे आ रहा है नौ चौके छत्तीस हो रहा है यहाँ पे अट्ठाईस फिर नौ uh, सत्ताईस और फिर नौ दोनों अठारह दो सौ सत्तर दो सौ सत्तर से अगर हम लोग अठारह माइनस करें तो दो सौ बावन देखो क्या है यहाँ पे तरीका इन दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई फोर करो तो मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा टू फाइव टू ट्वेंटी एट इंटू थर्टी सिक्स डिवाइड बाई फोर करेंगे इससे ये कैंसिल होगा नौ बार में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दो सौ बावन आएगा सेम प्रोसेस है यहाँ पे तीस इंटू बत्तीस डिवाइड बाई फोर करा तो आप इसे सॉल्व कर दो कितना आएगा कि कितने बार में जाएगा आठ चुके बत्तीस होता है आठ आठ तीस चौबीस दो सौ चालीस हो जाएगा तो सेम मेथड से यहाँ भी थर्टी सिक्स इंटू एटीन डिवाइड बाई फोर करेंगे ठीक है यहाँ पे कैंसिल होगा कितने बार में नौ चुके छत्तीस नौ बार में अठारह नवा कितना होगा अठारह नंबर नौट बहत्तर होता है ना वन सिक्सटी टू यानी कि जो ऑप्शन टू है ये यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन है फोर वर्ड्स हैव गिवन चार वर्ड्स आपको गिवन है आउट ऑफ विच थ्री आर अ लाइक एंड वन इज़ डिफरेंट तो पीस है नॉन वायलेंस है ट्रूथ है मिलते जुलते हैं और हेट्रेड जो है एक नेगेटिव वर्ड हो गया यानी कि जो चौथा ऑप्शन होगा वो यहाँ पे राइट को आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लास पुलिस ऑफिसर मदर और फीमेल्स ठीक है जो फीमेल्स होंगी इन फीमेल्स के अंदर मदर्स आएंगे ठीक है और पुलिस ऑफिसर जो है फीमेल भी हो सकती है और मदर भी हो सकती है तो इस तरह का ऑप्शन हमें ढूंढना है जो कि है मेरा ऑप्शन टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है द टोटल एजेस ऑफ अमित एंड सुवर्णा अमित और सुवर्णा की का जो टोटल एज है वो एक जनवरी 2015 को कितना है इकसठ साल ठीक है मतलब अमित प्लस सुवर्णा इन दोनों का एज जो है इकसठ ईयर्स है सिक्सटी वन ईयर्स है एक जनवरी 2015 को अमित इज थ्री ईयर्स यंगर देन सुवर्णा अमित जो है वो स्वर्णा से तीन साल जो है छोटा है थ्री इयर्स यंगर तीन साल छोटा है और बोला है कि 2010 में जो है उसका क्या एज होगा सुवर्णा का सुवर्णा का एज हम लोगों ने एक्स मान लिया तो अमित का एज तीन साल छोटा होगा यानी एक्स माइनस थ्री होगा इन दोनों का सम जो है एज अकॉर्डिंग टू एक जनवरी 2015 61 है तो टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू सिक्सटी इसे आप सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल्स टू तो कितना आ जाएगा चौंसठ और आधा करा तो बत्तीस गुना चौंसठ एक्स इक्वल्स टू बत्तीस थर्टी टू ईयर्स यानी सुवर्णा जो है बत्तीस साल की है 2015 में तो 2010 में कितना होगा तो बत्तीस से मुझे क्या करना पड़ेगा पाँच साल पीछे जाना पड़ेगा एस अकॉर्डिंग टू 2015 2010 का फाइंड करने के लिए तो पाँच यहाँ पे कितना आ जाएगा सत्ताईस ठीक है सत्ताईस साल की सात पाँच बारह सत्ताईस साल की हो जाएगी सुवर्णा यानी कि ऑप्शन जो वन है वो यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हमें फोर नंबर पेयर्स गिवन है हमें फाइंड करना है कि एक जो अलग है उसे फाइंड करना है अब यहाँ पे देखो थर्टी फाइव थर्टी फाइव का अगर हम स्क्वायर करने जाएं तो बारह सौ पच्चीस होता है उससे चार माइनस करेंगे तो बारह सौ इक्कीस आ जाएगा इक्कीस का स्क्वायर करने जाएंगे फोर फोर वन होगा उससे हम लोग चार माइनस करेंगे तो फोर थ्री सेवन हो जाएगा ग्यारह का स्क्वायर करेंगे वन ट्वेंटी वन होगा चार माइनस करा तो कितना आ जाएगा वन हंड्रेड सेवेंटीन साथींद ग्यारह एक सौ सत्रह होना चाहिए यहाँ पे एक सौ अट्ठारह की वन है यानी कि जो ऑप्शन थ्री है वो राइट आंसर होना चाहिए बस कंडीशन यहाँ पे आपको देखना है ठीक है थर्टी थ्री का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा वन जीरो एट नाइन होता है माइनस फोर का वन जीरो एट फाइव हो जाएगा यानी कि ऑप्शन थ्री जो है ये राइट right आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या कह रहा है आपको यहाँ पे चार लीटर चार गिवन है चार क्लस्टर्स गिवन है आपको इसमें से जो डिफरेंट है वो फाइंड करना है तो पहला वाला यहाँ पे बी टू है जी सेवन है एल ट्वेल्व है क्यू सत्रह है आप देखो यहाँ पे पाँच का डिफरेंस है फिर सात पाँच बारह पाँच का डिफरेंस हो गया बारह पाँच सत्रह ठीक है फिर यहाँ पे ओ सिक्सटीन है ओ फिफ्टीन है वो की वैल्यू क्या होती है फिफ्टीन टी ट्वेंटी होता है वाई ट्वेंटी फाइव होता है और फिर डी जो है ये फोर होता है अगेन यहाँ पे फाइव फाइव का डिफरेंस हो रहा है ठीक है आप यहाँ पे देखो के एलेवन है पी सिक्सटीन है यू ट्वेंटी वन है जेड ट्वेंटी सिक्स है यहाँ भी ग्यारह पाँच सोलह होगा सोलह पाँच इक्कीस हो जाएगा फिर इक्कीस पाँच छब्बीस हो जाएगा एच की वैल्यू एट है एम तेरह हो गया आर अट्ठारह हो गया वी ट्वेंटी टू हो गया यहाँ पे आठ पाँच तेरह तेरह पाँच अट्ठारह अठारह और पाँच आठ पाँच तेरह होता है तेईस होना चाहिए यहाँ पे बाईस गिवन है तो यानी कि जो ऑप्शन फोर होगा वो यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्टेन कोड दिया हुआ है जिसमें सर्वेंट को लिखा गया है ये देखो एस नाइनटीन है तो एस का मुझे नाइन्टीन दिया हुआ है ई टू तो जो वॉवेल का जो ऑर्डर होता है ए E, I, O, U. इसमें U की वैल्यू कितनी होती है टू तो वो टू यहाँ पे गिवन है फिर R अट्ठारह गिवन है फिर V जो है वो ट्वेंटी टू गिवन है फिर A की वैल्यू यहाँ पे कितनी किस पोजीशन पे है फर्स्ट पोजीशन पे. तो वो वन गिवन है फिर N जो है वो फोटीन है फिर T कितना है ट्वेंटी है उसी भी यहाँ पे M. M की वैल्यू होती है तेरह A का पोजिशन क्या है इसमें वन और फिर G कितना होता है सेवन फिर N कितना होता है फोटीन फिर I का जो पोजीशन है वो है थ्री तेरह सत्रह चौदह तीन तेरह सत्रह चौदह तीन यानी कि ये जो ऑप्शन होगा ये राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्वेंटी फोर नंबर के क्वेश्चन पे ट्वेंटी फोर नंबर का क्वेश्चन है बेवरेज इज़ रिलेटेड टू टी ठीक है बेवरेज में एक टाइप है मेरा टी का मेडिसिन में एक टाइप होगा मेडिसिन में एक टाइप होगा एनलजीसिक्स का ठीक है दर्दनाशक का दर्दनाशक दवाई का एक मेडिसिन का एक टाइप होगा ठीक है तो ऑप्शन थ्री जो है ये यहाँ पे राइट right आंसर हो गया नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला है ऑल प्राइज आर मेडल मतलब जितने भी प्राइज हैं ठीक है जितने भी प्राइजेज हैं ये सभी प्राइजेज जो हैं वो मेडल हैं ठीक है तो ऑल प्राइजेज़ आर मेडल ठीक है मेडल्स इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट्स कुछ प्राइजेस जो हैं सम प्राइजेस आर क्या है सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट है कुछ प्राइजेस ठीक है अब इसमें कॉन्क्लूजन क्या है सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस सही है दूसरा है सम मेडल्स आर सम मेडल्स आर प्राइजेस ये भी सही है तीसरा है सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल बिल्कुल सही है यहाँ पे तो जो ये ऑप्शन जो जो तीनों कॉन्क्लूजन है वो तीनों कॉन्क्लूजन यहाँ पे क्या हो रहे हैं सही हो रहे हैं तो यानी कि इसका जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा ऑल कंक्लूजन फॉलो यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर तीन जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे ट्वेंटी सिक्स नंबर का क्वेश्चन इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डिपेंड इज रिटर्न एज दिस ठीक है देखो डिपेंड डी ई P E N D और इसको लिखा गया है किस चीज़ में इसको लिखा गया है E, P H, T, J, J ठीक है D की वैल्यू क्या होती है फोर E क्या होता है फाइव P क्या होता है सिक्स E होता है फाइव N होता है फोर्टीन D होता है फोर ठीक है अब देखो यहाँ पे फोर है अगर यहाँ पे प्लस वन करा तो मुझे E दिख गया 14 है यहाँ पे पी कितना होता है सिक्सटीन होता है यानी कि प्लस टू करा तो मुझे ये दिख गया पाँच है ई e की वैल्यू और एच कितनी होती है ए एच की वैल्यू क्या होती है एट यानी प्लस थ्री करा फिर यहाँ पे टी कितना होता है ट्वेंटी होता है और पी कितना होता है यहाँ पे सिक्सटीन है तो सोलह फिर प्लस फोर करा यानी कि पीछे से स्टार्ट हो रहा है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अब यहाँ पे जे कितना होता है टेन होता है यानी प्लस फाइव करा फिर यहाँ भी जे की वैल्यू क्या होगी टेन लेकिन यहाँ पे फोर है तो यानी कि क्या हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा सेम मेथड से मुझे ट्रैवल का फाइंड करना है तो एल है एल की वैल्यू क्या होती है ट्वेल्व प्लस वन करा तो थर्टीन एम से स्टार्ट होना चाहिए एम से स्टार्ट है ठीक है उसके बाद यहाँ पे प्लस वन करा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस टू तो पाँच है तो छ होगा छः यानी जी ठीक है जी उसके बाद फिर यहाँ पे वी ट्वेंटी टू है ट्वेंटी टू में मैं यहाँ पे प्लस टू करा फिर प्लस थ्री करना है तो 22 प्लस तीन कितना होता है 25 25 किसका होगा मेरा y का y यानी कि जो ऑप्शन थ्री है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्वेंटी नंबर के क्वेश्चन पे 27 नंबर का क्वेश्चन है मुझे इस टाइप का नंबर फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा होगा अब 11 है एक है और फिर 209 है अब देखो एक को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं 11 का मैं ग्यारह ग्यारह पची पचपन पंद्रह बार में जाएगा यानी कि एलेवन इंटू फिफ्टीन करा तो एक सौ पैंसठ आया अब देखना है दो सौ नौ को अगर मैं ग्यारह से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या ये पॉसिबल है एलेवन वन जाए 11, तो यहाँ पे नाइन्टी नाइन बचेगा नाइन बार में यानी नाइन्टी नाइन यानी ग्यारह को इंटू अगर मैं 19 करूँ तो मेरा दो सौ नौ आ जाएगा आपको इंटू फिफ्टीन और इंटू नाइन्टीन जैसा कोई रिलेशन देखना है यहाँ पर तो पंद्रह इंटू चौदह करेंगे हम लोग कितना आ जाएगा पंद्रह का स्क्वायर टू टू फाइव हो गया ना टू टू फाइव माइनस फिर से पंद्रह करा तो टू टू फाइव माइनस पंद्रह करा दो सौ दस यहाँ पर ये तो दिख गया और फिर उन्नीस वाले केस में देखना है यहाँ पे ठीक है 19 इंटू चौदह करना है कितना हो जाएगा तो नौ चौके 36 छत्तीस ऐसे कर लेते हैं इसको टेन प्लस फोर कर लिया तो फोर्टीन हो गया एक सौ नब्बे आ जाएगा यहाँ पे उन्नीस अड़तीस दस उन्नीस सौ के छिहत्तर सेवेंटी सिक्स हो जाएगा यहाँ पे नौ सात सोलह छः और टू सिक्स सिक्स होगा यानी ये गलत हो गया ठीक है दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे सत्रह है पहले सत्रह को कितना करना है पंद्रह से मल्टीप्लाई करना है सेवनटीन को पंद्रह से मल्टीप्लाई करना है टेन प्लस फाइव करा तो एक सौ सत्तर हो गया सत्रह दोनों चौंतीस सत्तर इक्यावन सत्रह पचीस पचासी होता है एटी फाइव हो गया यहाँ पे आठ सात पंद्रह ये भी नहीं हो रहा है यहाँ पे टू फोर्टी फाइव नहीं हो रहा है यहाँ पे आठ सात पंद्रह यानी दो सौ पचपन हो रहा है यहाँ पे तीसरा वाला देखते हैं तीसरे वाले को हमको पहले कितना से मल्टीप्लाई करना है पंद्रह से मल्टीप्लाई करना है तो पंद्रह दोनों तीस एक सौ अस्सी ये वाला मिला अब मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है सेकंड केस में नाइनटीन से तो नाइनटीन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बारह को तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एक सौ नब्बे और उन्नीस दो न अड़तीस नौ तीन बारह यानी कि ये वाला मैच हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री जो है ये राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स है उसे हमें अरेंज करना है तो आप देखो यहाँ पे आई एस ओ 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 सब में है ठीक है आई एस ओ सब में है तो आई एस ओ से हम लोग जज नहीं कर सकते एम की वैल्यू कितनी होती है थर्टीन एल कितना होता है ट्वेल्व यानी कि ये पहले होगा दो के बाद एक आएगा ठीक है टी कितना होता है ट्वेंटी ठीक है तो ट्वेंटी ऑब्वियस इन दोनों के बाद आएगा फिर यहाँ पे एल जो है वो कितना होता है ट्वेल्व होता है लेकिन यहाँ पे ए है ठीक है एल यहाँ पे ट्वेल्व है और एन कितना होता है फोर्टीन होता है यानी कि सबसे पहले आएगा फोर ठीक है सबसे पहले आ गया फोर उसके बाद है यहाँ पे एल के बाद ओ फिफ्टीन है और आई नाइन है ठीक है और फिर यानी कि पाँच जो है इसके बाद आएगा ठीक है पाँच यानी फोर टू वन देखो कहीं पे है फोर टू वन मुझे अच्छा इसमें बोला क्या है कम इन द थर्ड सेक्वेंस तीसरे सेक्वेंस में कौन आएगा थर्ड में कौन आएगा वन नंबर वाला यानी आइसोमर ठीक है आइसोमर आपको ऑप्शन नंबर फोर दिख रहा है तो चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर राइट right आंसर हो गया एक बार फिर से देख लेते हैं शायद यहाँ पे गलत है ठीक है क्योंकि एल वाला जो है एक यहाँ पे है एल वाला एक यहाँ पे है एल वाला एक यहाँ पे है इसमें मैंने फ़ोर और टू देख लिया ना फोर और टू देख लिया उसके बाद जो आइसो लॉग जो होगा वो तीसरे नंबर पर आएगा यहाँ पर यानी ये पाँचवा वाला जो है आइसो लॉग आने वाला है यानी कि ऑप्शन वन ऑप्शन वन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा आइसोमर नहीं होगा ठीक है तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो गया यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी नाइन नंबर का क्वेश्चन मुझे यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे ये कंडीशन दिया हुआ है और मुझे बताना है कि हाउ एल इज रिलेटेड टू वाई देखो यू प्लस एच ए इज मतलब ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया ए इज़ द फादर ऑफ़ बी तो यू प्लस एच का मतलब हो गया कि यू इज़ द फादर ऑफ एच यू इज़ द फादर ऑफ एच ठीक है उसके बाद यहाँ पे h इन टू एल्व पे आते हैं पहले इसको देखा फिर अब यहाँ पे h इन टू एल्व पे आते हैं तो इन टू केस का मतलब हो गया है ए इज़ द ब्रदर ऑफ़ बी यानी एच इज़ द ब्रदर ऑफ़ एल एच इज़ द ब्रदर ऑफ़ एल हमें एल का रिलेशन नहीं पता अब यहाँ पे एल माइनस क्यू यानी ए इज़ द सिस्टर ऑफ़ बी यानी एल इज़ द सिस्टर ऑफ़ क्यू एल इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू ठीक है उसके बाद यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई आर तो ए इज़ द मदर ऑफ बी यानी क्यू इज़ द मदर ऑफ़ आर क्यू इज़ द मदर ऑफ़ आर ठीक है क्यू इज़ द मदर ऑफ़ आर और उसके बाद है यहाँ पे आर माइनस वाई यानी कि ए माइनस बी ए इज़ सिस्टर ऑफ बी यानी आर इज़ द सिस्टर ऑफ़ वाई आर इज़ द सिस्टर ऑफ़ वाई आर इज़ द सिस्टर ऑफ़ वाई हाउ इज़ एल रिलेटेड टू वाई एल जो है वो वाई से कैसे रिलेट है तो एल जो हो गई वो उसकी मासी हो गई क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों क्या हैं ये दोनों सिबलिंग्स हो गए अब इसमें से इसकी मदर ये है मदर की सिस्टर ये है तो ऑप्शन देखो मदर सिस्टर यहाँ पे ऑप्शन दिख गया ठीक है तो एल जो है वो क्या है मदर की सिस्टर तो मदर की सिस्टर यानी कि ऑप्शन नंबर टू जो है ये राइट right आंसर हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लास्ट क्वेश्चन है थर्डी नंबर का इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज वार इज रिटन एज दिस ठीक है हाउ इज़ एक्यूरेट विल बी रिटर्न ठीक है देखो यहाँ पे W23 होता है और यहाँ पे Y25 हो गया फिर A1 होता है यहाँ पे X कितना हो गया X हो गया मेरा 24 ठीक है उसके बाद फिर यहाँ पे R18 होता है और यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा V22 तो पहले वाले में 23 था 23 कन्वर्ट हो गया 25 में तो कितना हो गया प्लस टू हो गया ठीक है तो पहले वाले में क्या हो गया प्लस टू तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्यूरेट में ए वन हो गया प्लस टू करा तो थ्री यानी सी से स्टार्ट होगा ठीक है उसके बाद वाला देखो ए वन है वन कन्वर्ट हो गया ट्वेंटी फोर में यानी कि माइनस हुआ कितना माइनस हुआ तो चौबीस पच्चीस छब्बीस यानी माइनस टू करेंगे हम लोग तो माइनस टू करा तो दूसरे वाले केस में क्या है सी सी से अगर हम लोग माइनस टू करेंगे तो मुझे ए दिखेगा ठीक है सॉरी यहाँ पे सी है ना ए यहाँ पे वन है वन को अगर हम लोग उस वैसे लिखने जाएँ तो अट्ठाईस होगा सत्ताईस छब्बीस जेड होता है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स के बाद ए आ गया यानी 27 होता है यानी ये ट्वेंटी सेवन हो गया ट्वेंटी सेवन से हम लोग ट्वेंटी फोर गए ट्वेंटी फोर गए यानी कितना गए माइनस थ्री गए तो यानी कि यहाँ पे भी हमें सी है तो माइनस थ्री जाना है तो माइनस थ्री जाएंगे हम लोग तो क्या मिलेगा मुझे मुझे मिलेगा जेड तो जेड यहाँ पर दिख गया उसके बाद वाला देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है एटीन और यहाँ पे ट्वेंटी टू है अठारह चार बाईस होगा यानी प्लस फोर करा यहाँ पे तो उसी तरीके से यहाँ पे सी थ्री है थ्री में अगर हम लोग प्लस फोर करें तो सेवन दिखेगा तो जी सेवन यानी कि ये वाला ऑप्शन ऑप्शन थ्री जो है ये यह यहाँ पे राइट आंसर हो गया तो ये टोटल थर्टी क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस करा आई होप सारे ट्रिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ठीक है कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और इस तरह की आपको और सीरीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर से इन्फॉर्म करना जिनका जिनका कमेंट आएगा कि आप सभी को सीरीज़ अच्छी लग रही है आपको इस टाइप की और क्वेश्चन की सीरीज़ चाहिए तभी जाकर के मैं नेक्स्ट सीरीज लेकर के आऊँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश गुड लुक फॉर यू